मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कॉल की करने के बाद आप माँ सरस्वती जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें और उसके बाद से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं आरडब्ल्यू के माननीय अध्यक्ष श्री विवेक शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि माननीय हमारे एसपी साहब को माल्यार्पण करके उनका दोबारा से एक बार सम्मानित और सम्मान करें और स्वागत करें। और तिवारी भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बुके हैं उस बुके से स्वागत करें। और हमारे बीच में एक और जानी मानी शख्सियत श्री हरीश जी उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा उनका भी स्वागत करें। और इसके अलावा मैं इसका से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज तिलक करें हमारे विशेष अतिथि का। शौर्यपुरम के सभी सम्मानित साथियों, बहनों, माताओं, मातृशक्तियों, आज हमारे बीच में ध्वजारोहण के लिए आदरणीय श्री रितेश त्रिपाठी जी पधारे हुए हैं। आप बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र रहे अपने छात्र जीवन में। आपने लोगों को सौभाग्य मिलता है कि एक बार वो यूपीपीएससी क्रैक करते हैं या यूपीएससी क्रैक करते हैं। आपने दो बार क्रैक किया है बहुत कम उम्र में। 2016 में यूपीपीएससी को क्रैक किया और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने, जिसे हम लोग सेल्स टैक्स ऑफिसर भी बोलते हैं पहले। उसके बाद 2017 में पुनः आपने यूपीपीएससी क्रैक किया और यूपीपीएससी में पीपीएस में उनका सिलेक्शन हुआ। और आज हमारे यहाँ गाजियाबाद जनपद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। तो हम स्वागत करते हुए आप श्री रितेश त्रिपाठी जी से अनुरोध करेंगे कि दो शब्द हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ कहें और इन्हें प्रेरणा दें। धन्यवाद। सबसे अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में यहाँ पे हैं सोसाइटी के और साथ में उनके अभिभावक भी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। आज जैसा कि आप सभी तो मैं थोड़े से क्षमा
प्रार्थना करूंगा कि मुझे थोड़ा विलंब हो गया, हमारा कार्यक्रम चल रहा था, जब वो पूरा वहाँ का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उसके बाद ही यहाँ पे आ सकते थे और वहाँ भी छोटे छोटे बच्चों द्वारा मेरी अच्छी प्रस्तुति दी गई। आज देखिए गणतंत्र दिवस का अवसर है और ये एक बहुत अच्छा एक मौका होता है जहाँ पर हमें बहुत बहुत चीजें जो हमारा अतीत रहा है उसको एक बार फिर से सीखने के लिए, उसको एक बार फिर से खंगालने के लिए और उसी के आधार पर अपना भविष्य आगे बनाने के लिए, विशेष रूप से जो छोटे छोटे हमारे जो भारत के युवा बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं तो इनको कैसे हम एक नई दिशा दें। देखिए भारतवर्ष का जो अतीत है वो इतना मजबूत है कि शायद विश्व के किसी देश का रहा। आज जैसा संपन्न में और आगे प्रगतिशील भारत हमारे सामने है उसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है अब स्पेशली अभिभावकों के लिए कि हम अपने छोटे बच्चों को ये बताएं कि कितनी कुर्बानियों के बाद कितने ही जो है हमारे देश के जो वीर थे वो शहीद हो गए, कितनी ही जो है माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी ही जो है बच्चों के पापा कभी भी वापस लौट के नहीं आए, तब जाकर हमें ये आजादी मिली, तब जाके हमें ये गणतंत्र मिला। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम जिस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, आज हम किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए, किसी भी संगठन को ज्वाइन करने के लिए हम स्वतंत्र, हम हर चीज के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता बहुत कम ही देश में मिल पाती है। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत मेहनत के बाद आता है। तो ये गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर होता है जहाँ हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी याद गर्म करने को नाम तुम्हारा देगा। तो हम उन वीरों को आज हम नमन करें और उनसे सीखें। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चों आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए आगे आप लोग जाओगे, जो भी करियर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको आगे करना हो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते, जम के मेहनत करते, लेकिन अपने देश के प्रति हमारे जो हमारा जो संविधान है उसके प्रति हमारे कुछ दायित्व है। अक्सर होता क्या है कि हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्य कैसे, कोई बहुत बड़े हमारे संविधान में देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों शामिल किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए हैं वो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, हमें छोटी छोटी चीजें तो करनी है, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, कभी हम जो है इस तरह की कोई हरकत ना करें कि उससे दूसरे किसी को दिक्कत हो, हम अगर जा रहे हैं बाइक पर तो हेलमेट लगा के चलें, ट्रिपलिंग ना करें, रॉन्ग साइड ना चलें, ठीक है, या हम अपने घर में कूड़ा नहीं फेंकते तो बाहर भी कूड़ा ना फेंकें, ठीक है, इसी तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। आप वोट जब इलेक्शन आते हैं तो हम जाकर वोट दें, अपने जो बच्चों को ये बहुत जरूरी होता है कि आपके जो माता पिता हमेशा उनका सम्मान करें, अपने माता पिता की बहुत ध्यान रिस्पेक्ट करिए, अपने दादा दादी जो आपके घर पे हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को होता है और हम बड़े लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सिखाएं। आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो संस्कार है वो थोड़े कम होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी ये और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को उन मूल्यों को सिखाएं, उन परंपराओं को सिखाएं, उनको उनकी जो जड़ें हैं उनको मजबूत रखें। बाकी गणतंत्र दिवस की फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने एक देश के लिए जो हम लोग हमारे इस स्वतंत्रता के लिए जितने लोग कुर्बान हो गए उनको जरूर कहीं ना कहीं अपने जहन में लाएं और अपने देश के जो कर्तव्य है उनका पालन करें। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ बात समाप्त करना चाहूंगा कि जीवन धन्य उसी का है देश में, जीवन धन्य उसी का है देश में, देश की खातिर प्राण गंवाए और शीश जो मांगे ये माटी हमारी तो होके प्रसन्न स्वशीश चढ़ाए, और अंग जो माता उभारे समीर तो वक्ष में तीर सा जाके समाए, और देश का भार झुकाना जो चाहे तो थाले की नोक पे भार न जाए। बहुत सुंदर आपने हमारे बच्चों को प्रेरित किया, हम सबको प्रेरित किया, आपने अपने बेस्ट समय में से, चूंकि आप लोगों की जिम्मेदारी इस समय लाइट आर्डर भी मेंटेन करना है, कार्यक्रम भी संपन्न हुआ आपके विभाग का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हरीश जी का, आप
पाक्सो मेन बोर्ड के विशेष लोक अभियोजक हैं और हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं, तो वकील साहब दो सब सोसाइटी के बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा की अष्टदायित्री माँ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करता हूँ। शुभकामनाएं आपके, आपका ही आज जन्मदिन हम मना रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन आपका जन्म है, और शुभकामनाएं आपको 74वें गणतंत्र दिवस। अभी एजीपी साहब ने बहुत अच्छी कविता का पाठ भी संक्षेप में बताया, बहुत प्रेरणादायी है और बहुत सारा मार्गदर्शन भी हमने किया, लेकिन आज गणतंत्र दिवस का जो 74वां दिवस है उसका सार्थकता तभी होगी क्योंकि हम भारत के अंग हैं और भारत के कोने में रहते हैं, डीप लोक में रहते हैं, एक लोक में रहते हैं। हमारी भारत को मजबूत करने की सबसे नंबर हमारा आता है, उसको सशक्त हम ही कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक इकाई है हम भारत की। एक तो हम आपस में ना लड़े, आपस में सहयोग की भावना रखें, जाति बिरादरी का भेदभाव ना रखें, पढ़ाई में ज्यादातर सहयोग करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से भारत का, यहाँ से भारत चालू होता है। ऐसे मानो जब यहाँ से भारत सशक्त होगा तो पूरा भारत सशक्त होगा। जिस स्थिति में भारत था उस स्थिति से भारत निकल चुका है, आगे बढ़ चुका है। जो देश को चला रहे हैं या जो चलाना चाहते हैं हम उनका सहयोग कर सकते हैं। कैसे सहयोग कर सकते हैं? उदाहरण देता हूँ, जैसे पूज्य रामचंद्र जी ने एक निर्माण किया पुल का और वो कहा लंका के लिए। अब चूंकि वहाँ एक छोटी गिलहरी थी, अब गिलहरी सहयोग कैसे करती? एक गिलहरी का रूप है हम। उसने क्या किया? बार बार जाती समुद्र के पानी में लेटी, भीगा करती अपने आप को, और रेत में लेट को ढोती और चली जाती पुल के ऊपर, अपने को झाड़ती फिर वापस यही काम करती। तो किसी ने देखा, देखो ये क्या कर रही है, 15-20 ऐसे होता है। तो उनसे पूछा गया, भाई तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा, जी मैं पत्थर तो उठा नहीं सकती, लेकिन कम से कम मैं रेत अपने शरीर पर लपेट कर वहाँ झाड़ तो सकती हूँ, वो दरारें तो बंद हो जाएंगी। देखो छोटी सी गहरी और उसकी सोच देखो कि मैं एक इतना बड़ा काम छोटे से रूप में होने के बाद भी कर सकती हूँ, एक बहुत बड़ा योगदान था उस पुल को बढ़ाने में। हम भी यही गहरी का रूप में काम कर सकते हैं, भारत को सशक्त बनाने में, देशभक्ति जगाने में, देश को जो चला रहे हैं उनका सहयोग करने में, चाहे छोटे से रूप में काम कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। दूसरा, आज के ही दिन प्रभु रामचंद्र जी जब जंगल में वनवास के क्षेत्र में थे तब उन्हें एक बेर खिलाने वाली महिला मिली, उसका क्या नाम था? सबरी, सबरी माता। आज के दिन उनके झूठे बेर उन्होंने खाए थे, उसी दिन से समरसता का निर्माण हुआ। हम लोग समरसता का निर्माण आज से ही कर सकते हैं। दूसरा, जब मैंने कहा कि ये इकाई है भारत को सशक्त करने के लिए, जहाँ पर हम रहते हैं उसका स्वच्छता का काम, एकजुटता का काम, संगठित करने का काम, लोगों को लड़ाई बड़ाई जो करते हैं उनको समझाने का काम, ये हम आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। ये अपना काम है। अभी अभी राष्ट्रगान हुआ, अच्छा एक सीट तो मैंने लिया। अभी माननीय एजीपी साहब बोल रहे थे, बड़े भैया हरीश जी बोल रहे थे, बहुत सारी सीख दी उन्होंने, लेकिन एक सीख मैंने ले ली आज, और वो सीख मेरे लिए ये थी कि उनको थोड़ा सा विलंब होने की वजह से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये होती है विनम्रता कि जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो डाली खुद ब खुद छुटाया करती है। थैंक यू सो मच सर। और अभी आपने राष्ट्रगान किया खड़ा होकर, और अगर ये बातें मेरी पसंद आए तो आपके दोनों हाथ आसमान में हवा की तरफ खुल के लहराने चाहिए, और एक ब्लॉक तीन ब्लॉक की ब्लॉक तक तालियां भी घूमनी चाहिए। 52 सेकंड राष्ट्रगान जो
होता है, आइडेंटिफाई निर्धारित किया गया राष्ट्रवाद के लिए, इसको मैंडेटरी किया गया मेरे आपके मेरे आपके बच्चों के लिए, ताकि हमने देश प्रेम की, राष्ट्रगान प्रेम की वो जो भूमिका है वो बन सके, उसको हम दिल के अंदर से महसूस कर सके, फील कर सके और उसका इंपॉर्टेंस समझ सके। लेकिन जब मैंडेट किया गया तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन हमें आपने उसके लिए क्या क्या नहीं कहा, 52 सेकंड खड़े रहे क्यों? ये तो हमारे मानवाधिकार पे कुठाराघात है। इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए, इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए हमारे अपने देश में, हमारे अपने भारतीयों ने बोला 52 सेकंड। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप मेरी उन लाइनों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं तो मैं आग्रह आपसे भी करूंगा कि आपके भी हाथ हवा में जरूर उठने चाहिए। 52 सेकंड खड़े होने में ऐतराज बड़े, 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज बड़े, सियाचिन की सरहद पर कोई बस हो गया खड़े खड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे वुड लाइक टू इनवाइट आत्या इश्का अंतंदी प्रत्युषा साइन कलश। आई थिंक वी आर रेडी विद द ट्रैक। वैशु Wish you a really good track. 2 minutes, okay. So till that time, जब तक ये 2 मिनट का वक्त लगता है बैकग्राउंड प्रिपेयर करने में, तब तक मैंने माननीय एसीपी साहब के लिए भी, इनफैक्ट उनके पूरे डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास 2 लाइनें हैं, जो इसके बाद मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत जरूर करना चाहूंगा इन बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद। अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे जात पात धर्म छोटा बड़ा ऊंच नीच, आई थिंक शायद नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं मानता हूं, मैं पगड़ी बोलता हूं आपको, मैं नहीं मानता हूं। जो तोले दिल के रिश्ते को वो बना है तराजू क्या, जो तोले दिल के रिश्ते को वो बना है तराजू क्या, अगर हम दोनों ही भाई भाई हैं तो फिर तू क्या और मैं क्या, ये मिट्टी तेरी रिबा, ये मिट्टी मेरी रिबा, तो फिर इस माँ को सर झुकाने में हिंदू क्या और मुसलमान क्या। थैंक यू करना चाहेंगे सर, अगर आपकी इजाजत है तो मैं भी आपको आपके बगल में बैठ करना चाहूंगा। दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हमी, दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हमी, अहिंसा भी हमी है और इंकलाब भी हमी, हमी गौतम बुद्ध है और महाराणा प्रताप भी हमी। और मैं जितने भी सीनियर यहाँ पे हैं, आरडब्ल्यू कमेटी के जितने मेंबर हैं, उन सब की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ लाइनें फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़े हुए हैं, समझने वाले कुछ समझ जाएंगे इशारा किसकी तरफ है, और अगली लाइन कुछ ऐसी है इशारे में समझ जाएंगे ये लाइन सौर पूर्व वासियों की तरफ से किसके लिए है। हमी गौतम बुद्ध है और महाराणा प्रताप भी हमी, गलती से तुमने हमारी सनातन को कमजोरी समझ लिया कि बहुत पछताओगे, गलती से तुमने हमारी सनातन को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे, बांसुरी बजाने वाली गुलियों ने जिस दिन सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे। मेरी कामयाबियां देखी है लेकिन किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। आपके पास नहीं अभी इतनी मोटी नहीं भाई, वेस्ट में क्या बोला था उधर देखो, प्रथम भाई आपका नाम प्रथम, प्रथम प्रथम भैया वो कैसे कर रहे हैं, वेस्ट शोल्डर हेड नी फीट हेड शोल्डर वेस्ट नी
शोल्डर वेस्ट शोल्डर नी थ्री हेड फुट ओह माय गॉड किसको मिला तन्वी जाओ आउट तो देखो जिसको जो कुछ चिकन मिला है वी आर ओनली विनर ये सारे बच्चे विनर हैं बस सारे आउट हो गए सोसाइटी की कार सेवा में लगे हुए श्री धीरज मिश्रा जी श्री राजेश पांडे जी श्री बड़े बाबू सिंह जी इसको कहते हैं स्वावलंबन ये मोदी जी के स्वावलंबन से प्रभावित हैं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए फोटो एंड आई एम श्योर जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग
सबको चाहिए होता है, क्योंकि आजकल अभी किसी भी साहब बोल रहे थे, हरिभा बोल रहे थे कि अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। अच्छा कल्चर से याद आया, अब ये लाइन जो मैं बोलते आ रहा हूँ, शायद काफी सारे लोग इसमें से मेरे ऊपर ही हंसने वाले हैं, ऑब्जेक्शन, क्योंकि मैं ही ऐसा शिक्षक शायद पूरे ग्रुप में मेरी इंग्लिश लाइन में सबसे ज्यादा आती है, लेकिन मैं काफी कुछ स्टडी कर रहा हूँ, और वैसे भी कोई कल्चरल प्रोग्राम जो सोसाइटी में होना होता है, मेरी स्क्रिप्ट शायद एक महीने पहले बनने शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, सो आई स्टार्टेड स्टडी ऑन दिस थिंग। सो मैं एक चीज पढ़ रहा था, ए ए टू जी, सारे पढ़ते हैं ए टू जी राइट। सो ए स्टार्ट होता है कहां से? वेरी गुड, ठीक है, आज मैं दूसरी डेफिनेशन बनाने वाला हूं। ए स्टार्ट होता है एप्पल, बिल्कुल सही, फल से स्टार्ट होता है एप्पल, और जी पे खत्म होता है ज़ेब्रा, वेरी नाइस। हिंदी और अंग्रेजी में क्या ताकत है, मैं दोबारा से यहाँ पे जितने अभिभावक और खास करके पिताओं से ज्यादा माताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पिताओं से ज्यादा बच्चों का भविष्य बनाने में और बच्चों को उनका ग्रोथ पाथ दिखाने में माताओं का हाथ होता है, पर इन सारी माओ के लिए तालियां बजाइए आप सारे लोग जितने गेट से यहाँ, थैंक यू वेरी मच। तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा छोटा सा जो मैंने जो ऑब्जर्व किया, काफी एक लंबी बुक थी जो मैं पढ़ रहा था, उसमें से मैंने थोड़ा सा पिक किया जो आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगा। ए राइट, ए एनिमल से स्टार्ट होता है, ए एनिमल से स्टार्ट होता है, और जे अगेन जानवर बना के छोड़ देता है, और आ अज्ञानी से शुरू होता है, और क्या ज्ञानी बना के छोड़ता है। लेकिन हिंदी क्या होती है ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। अच्छा सो अगेन बैक टू दैट स्टेटमेंट, हम सबको फोटो चाहिए, क्लिप चाहिए, क्योंकि हमारे जिंदगी जीने से ज्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जीते हैं, रियल लाइफ जीने से ज्यादा वहां पे जीते हैं, चाहिए लेकिन तब भी चाहिए, क्लिप चाहिए हमें राइट, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, क्लिप, वीडियो चाहिए हमें राइट, चाहिए। आप सारे लोग एक बार जोरदार हवा में हाथ उठा कर तालियां बजाइए अभिषेक जी के लिए, अभिषेक तिवारी, मैं उनको भाई बोलूं या छोटा बेटा बोलूं, तुम्हें बोलूं, दोनों सारे एक साथ है, तिवारी भैया तो भैया बोलता हूँ, बेटा ही बोलूंगा, तो पूरे मन से लगे हुए, पर जोरदार तालियां और होनी चाहिए उनके लिए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास अभी तक? मैंने सिंपल सा बहुत फनी क्वेश्चन पूछा था भैया, कोई लॉजिकल नहीं पूछा था, क्योंकि लॉजिकल में मेरा डिबेट हो गया गुप्ता जी से, अरे यार राइट, मैंने सिंपल इतना पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो आप राइट हैंड से पकड़ सकते हो लेकिन लेफ्ट से नहीं? मैं आंसर करूं, मैंने बोला राइट हैंड से पकड़ सकते हो लेफ्ट हैंड से नहीं। मैं आंसर करूं आपका अपना खुद का लेफ्ट हैंड, थैंक यू वेरी मच। और भाई समझ आ गया, थैंक यू। ओके कितने लोगों ने ट्राई किया था यहाँ पे आंसर करने की? तिरंगा तिरंगा कौन बोला था? एक दो तीन चार, थैंक यू सो मच। लगन मन में थी अहिंसा की लगन, मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहां तक माइक की रेंज आ रही है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि दो से ज्यादा औरतों को बात ना करते हुए बिठाई रखना, कोशिश मेरी हमेशा ही होती है, शायद मैं कामयाब भी हो जाता हूँ किसी हद तक। लाइन फिर भी पढ़ता हूँ आपके बीच में, मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोती, वैसे तो देखने में हस्ती तेरी थी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की चोटी, दुनिया में तू था बड़ा बेजोर इंसान, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये लाइनें हमारे आपके राष्ट्रपिता के लिए थी, जो आपको पता है कि अभी अगला जो स्पीच है वह इसी पे बेसिस है, और मैं अगला स्पीच आप लोगों के सामने बोलने के जिसको इनवाइट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग
सुनाने वाला हूँ आपको कि सूट फूट वाले अंग्रेज। और ये प्रसंग इसलिए है कि महात्मा गांधी, बच्चों ये आपके लिए है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत खोज के लिए आता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? हेलो, आपका नाम क्या है? यस प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपको ढूंढने से मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अरे चलो आप पूछिए, ऐसा क्या रीजन था कि महात्मा गांधी ने जो सूट बूट पहन के बैरिस्टर की जॉब किया करते थे लंदन में, वो सिर्फ एक धोती में सिमट के रह गए? कोई जानता है? कोई आंसर दे सकता है इस प्रांगण में? ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ एक धोती में रह गए? जी, उन्हें एक बार उनके कलर की वजह से ट्रेन से निकाल दिया था इसलिए। जी, बड़े आउट दिया। वो इंडियन कपड़ा था, सूट बूट विदेशी कपड़ा था, उन्होंने विदेशी का त्याग किया था, उसके बाद हमने बोला धोती में इंडियन कपड़ा मिलाऊंगा। ये सही है। काइंड ऑफ स्लाइड विजन, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कॉफी मिलेगी, कॉफी बच्चों के लिए ज्यादा है, बड़ों के लिए कम है। हाँ मिलेगी। सूट बूट वाले अंग्रेज, सूट बूट वाले अंग्रेज कभी बापू की धोती और लंगोटी का भेद ही नहीं कर पाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने बापू की हंसी उड़ाते हुए उन्हें नेक सेंट कहा था, जिसका मतलब होता है नंगा। और कितना अजीब लगता है अपने आपके बारे में नंगा का गीत सुनना। एक जमाने में कोट एंड हैट पहनने वाले बापू कैसे धोती में सिमट के रह गए? हुआ यू, बड़े बाबू भैया जी अब आप सुनिए, हुआ यू एक दिन वो एक नदी के किनारे खड़े थे और उन्होंने देखा, बच्चों आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपने एक दिन एक नदी के किनारे खड़े हुए थे और उन्होंने एक महिला को स्नान करते हुए देखा और उधर से एक ट्रेन जा रही थी। वो महिला सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि ट्रेन गुजरे तो मैं नदी से आकर अपनी साड़ी पहन लूं, बदलू नहीं पहनू। ये देखते देखते ट्रेन गुजरने में टाइम लग गया तो गांधी जी ने जो चुन्नी टांगी हुई थी वो उतार के उस औरत के ऊपर फेंक दिया और वो औरत चुन्नी में अपने आप को लपेट के बाहर निकली और गांधी जी का आभार व्यक्त किया। और फिर गांधी जी को ये फील हुआ कि जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो मैं कोट पैंट और हाथ पहन के कैसे रह सकता हूँ? और उसी दिन बापू ने ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं एक से ज्यादा धोती नहीं पहनूंगा। और बापू अपनी खुशी से उसी एक कपड़े में सिमट के रह गए और उनपे हंसने वाले चर्चिल जो कहते थे उन्हीं की ब्रिटेन में जो ब्रिटेन ये जो विंस्टन चर्चिल थे जो उनका मजाक उड़ाया करते थे उन्हीं उसी पार्लियामेंट स्क्वायर में उनके सूट बूट स्टैचू वाले के बगल में वो नंगा फकीर आज भी धोती पहने हुए खड़ा मिलेगा और पूरी दुनिया उसके सामने वापस जाके प्रत्युषा सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों और सौरभ सोसाइटी के सभी बड़े, मैं प्रत्युषा मिश्रा आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चुपके से बताना। बापू तुम्हें कहूँ मैं बाबा या फिर बोलूँ नाना, सपनों में आकर के मेरे चुपके से बतलाना। छड़ी हाथ में लेकर के सदा साथ क्यों हो चलते, दांत आपके कहाँ हैं क्यों होती एक पहनते, हमें बताओ आखिर कैसे खाते थे तुम खाना, सपनों आकर के मेरे चुपके से बदलाना। टीचर कहते हैं तुमने भारत आजाद कराया, एक छड़ी से था दुश्मन गाया, कैसे हो गया या जुबा हमें जरा समझाना, सपनों में आकर के मेरे चुपके से बदलाना। थैंक यू, वेरी गुड, गुड। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी प्रत्युषा मिश्रा के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिश्रा जी, वैसे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप इस सर्कल से मैं नाराज हूँ,
और मैं चाहता हूँ आप आके मीठी से अभी माफी मांगिए कि आपने नहीं सुना, और तालियां बजाइए उनके लिए प्लीज। आइए आइए, अरे आपकी बेटी का साथ सुना, थैंक यू, माफ कर दिया गया, ठीक है। और हाँ बच्चों, आपके लिए अगेन, आपके लिए, न चोर हार्यम न राजहार्यम न भक्त भाज्यम न च भारतारी वर्धते यो नित्यम विद्या धर्म प्रधान। इसका मतलब ये है कि विद्या एक ऐसी चीज है, एजुकेशन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको न चोर छोड़ता है न भाई बांट सकता है, और जितना आप इसे खर्च करोगे, जितना आप लोगों में बांटोगे, जितना आप लोगों को सिखाओगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। और अब जो लाइनें मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं, वो लाइनें इस प्रांगण में उपस्थित सभी देवियों के लिए हैं। और अगर आपके आपके लिए ये लाइनें आपको पसंद आए, क्योंकि जो अगला हमारा आयत है वो गर्ल चाइल्ड पे बेस है, गर्ल चाइल्ड बर्थ पे बेस है, तो ये लाइनें आपके लिए हैं, और इनफैक्ट सिर्फ आपके लिए। सारी दुनिया से हम बेगाने, सारी दुनिया से हम बेगाने, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं मेरे बाबा हमसे। हे बाबा, श्याम तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। श्याम तेरा प्यार पूजा है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब @ Kapil Muni Sharma for the latest updates. Thank you once again. Thank you so much.